हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भाकर बड़ी। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा, 1 कप मैदा लिया है मैंने यहाँ पर, और मैंने इसमें ऐड किया है अब बेसन, 2 बड़े चम्मच बेसन, अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 4 छोटे चम्मच सूजी, वन फोर्थ स्पून अजवाइन, वन फोर्थ स्पून सॉल्ट। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया है, और इसे हम हाथों की हेल्प से अच्छे से गूथेंगे। इसमें पानी हम कम ही यूज़ करेंगे, जैसे हम समोसों का अपना मैदा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी गूंथेंगे। थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता है। अच्छे से इसका डो बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह। ये मैंने इसका एक टाइट डो बना लिया है। हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, और इसमें पानी बहुत कम यूज़ हुआ है। अब हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तिल, 1 टेबलस्पून कोकोनट, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 चम्मच चीनी, 1/4 स्पून जिंजर पाउडर, 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला 1/4 स्पून, जीरा 1/4 स्पून, धनिया 1/4 स्पून, और रेड चिल्ली पाउडर ये भी 1/4 स्पून। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक हम मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे। यहाँ मैंने इमली की चटनी भी यूज़ की है। अब अपना डो देख लेते हैं। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसको एक छोटे से पोर्शन में हम कट कर लेंगे, और इसको हम बेलेंगे। अब हाथों से इकसार करके अब हम इसे बेलेंगे। इसे बारीक फैलाइए, बिल्कुल पनाठे की तरह बेलेंगे हम इसे। देखिए इकसार बेलना चाहिए ये।
ये नाइफ की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे बीच में से, बीचों बीच में से। और इस पर सबसे पहले हम इमली का पेस्ट लगाएंगे। यहाँ मैंने जो दही भल्लों में चटनी यूज़ करते हैं हम मीठी सौंठ, मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इमली का मीठी चटनी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं दोनों पार्ट पे लगा लूँगी। लेकिन देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन छोड़ दिया है, जो हम बाद में इसको इस पर चिपकाएंगे। अब हम इस पर मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस पर ये चटनी लगाई हुई है तो इस पर मसाला इजीली चिपक जाएगा। अच्छे से एक सारा मसाला फैलाएंगे इसके ऊपर। बीच वाला पोर्शन छोड़ते हुए हम दोनों पर मसाला अपना फैला देंगे। अब हम हाथों को हल्का हल्का इसको छुटाकर थोड़ा इसे रोल करने की कोशिश करेंगे। अंदर की ओर दबाते हुए इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसको रोल करेंगे। बहुत इजी है ये। अब हम इसको, जो हमने पार्ट छोड़ा हुआ है, उसे चिपकाने के लिए यहाँ पर पानी स्प्रिंकल करेंगे, जिससे इस पर चिपक जाएगा। देखिए, अब मैं इसको पार्ट को इस पर चिपका देती हूँ। हाथों से थोड़ा सा रोल करेंगे, दोनों साइड पोर्शन भी इसको आपस में चिपका लेंगे। ये चिपक गया है। उसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। अंदर की ओर प्रेस करते हुए इसे हम फोल्ड करेंगे। और लास्ट पार्ट पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे इसके ऊपर चिपका देंगे। किनारे हम दबाकर बंद कर लेंगे। देखिए, यहाँ मैं छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ नाइफ की हेल्प से। एक प्लेट में हम इनको रख लेते हैं, हाथों से हल्का सा प्रेस करके हमें हटानी है इस पे से। हल्का सा प्रेस कीजिएगा, बस इसी तरह सभी हम कर लेंगे। थोड़ा चिपकाते हुए प्रेस कीजिएगा, जिससे खुले नहीं। इसी तरह मैं दूसरे भी कर लेती हूँ कट करके। देखिएगा, बहुत इजी है ये बनानी, और ये लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और देखने में सुंदर भी बहुत लगती हैं। देखिए, मैंने तैयार कर ली हैं। मेरे उस डो में काफ़ी सारी भाकड़ बड़ी रेडी हो गई हैं।
इन्हें मैं अब आधे घंटे के लिए सुखाने रख दूंगी, जिससे इससे मसाला अच्छे से चिपक जाए। और मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें अपनी भाकड़ बड़ी डालूंगी। देखिए, लेकिन फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, इसमें हम फ्लेम हाई नहीं करेंगे, तभी हमारी भाकड़ बड़ी क्रिस्पी बनेंगी। धीरे धीरे सुनहरी होंगी और क्रिस्पी बनेंगी। आप इन्हें बनाकर खाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। देखिए, इन्होंने कलर ले लिया है, कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। उसी तरह मैं दूसरे भी बना लूंगी इन्हें निकाल कर। पर ध्यान रखिएगा, भाकड़ बड़ी जब आप बना के रखें तो उसको सूखने के लिए आधे घंटे का टाइम दें, जिससे मसाला अच्छे से चिपक जाए और कढ़ाई में ना निकले। आप भाकर बड़ी 1 से 1.5 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती हैं। देखिए, मेरी दूसरी भी भाकर बड़ी मैंने डाल के निकाल ली है, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।